आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखीमपुर कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। एसआईटी को फिर से आरोपियों की रिमांड मिली है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, मोहम्मद लतीफ और शेखर भारती को सीजीएम कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आज शाम 5 बजे से 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पुलिस रिमांड पर ये चारों आरोपी रहेंगे। ये जानकारी बड़ी है। एसआईटी 2 दिन में सभी आरोपियों को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और कोर्ट से आरोपियों की 3 दिन की रिमांड पहले ही एसआईटी ने की थी, जिस पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। और अब जब फैसला आया है तो स्पष्ट है कि एसआईटी को इन चारों आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिलेगी, जहां वो आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। तो ये बेहद अहम है अपडेट इस वक्त की, जहां एसआईटी को दोबारा रिमांड मिली है चारों आरोपियों की। शेखर की विद इन 15 डेज दोबारा पीसीआर मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। फिर मांगा था आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ। बेचक जाने भी, बेचक जो भी अपना करें, हाँ आमना सामना कराना है और कुछ नए चक निकल के आया है उनके विवेचना की जाएगी। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में गोरखपुर मंडलीय कारागार में बंद मुख्य आरोपी जेएन सिंह और अक्षय मिश्रा की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। दोनों आरोपियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दरअसल कोर्ट में मामले की जांच कर रही टीम की विवेचना अधिकारी ने जो सबूत हैं वो पूरे नहीं होने की वजह से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके लिए आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने की मांग सामने रखी गई थी कोर्ट के, जिस पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश अब दे दिया है। मुख्य आरोपी जेएन सिंह अक्षय मिश्रा को बीते 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, अब आने वाले 14 दिन और ये रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। आज ये फैसला आ चुका है। अब देखिए कि यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी दिखाई दे रहा है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक जाहिर सी बात है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है। इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, सबकी निगाहें बहुमत पर हैं और इसी बहुमत को हासिल करने के लिए जातियों पर हर राजनीतिक दल का फोकस है। भाजपा अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों को और ओबीसी को, इनके वोट बैंक को साधने की कोशिश में है और यही वजह है कि भाजपा ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को आयोजित किया गया। काफी तादाद में यादव समाज से जुड़े लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के इस सम्मेलन का मकसद करीब 52% ओबीसी वोट बैंक में शुमार शामिल होने वाले 10% यादव बैंक को हासिल करना है, इस वोट बैंक को हासिल करना है, इस पर निगाहें टिकी हैं। कार्यकर्ता हमारे हैं, यादव आएगा आपके साथ? तो कार्यकर्ताओं के बीच सब आएगा, सब समाज के सभी। नहीं, माना जाता है वो समाजवादी पार्टी को वोट देता है। समाज बीजेपी के साथ सब है, पूरा समाज है, आदरणीय मोदी जी को स्वीकार करता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वैसे तो बीजेपी की नज़र ओबीसी की सभी जातियों पर है, लेकिन खासतौर से यादव समाज पर बीजेपी ने फोकस किया है। इसीलिए जो सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है उसमें यादव समाज का एक सेपरेट आज सम्मेलन हुआ है। राज्यसभा का जब चुनाव आया तो हरनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया और वो जीते, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। हरनाथ जी, क्या यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है 2022 के लिए? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वो पूरी तरीके से चरितार्थ हुआ है और यादव समाज अब पूरी तरीके से समझ गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ रहने में कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है। समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों की पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, तो इसी यादव वोट बैंक के आधार पर तो वो कह रहे होंगे। ऐसा है, अखिलेश यादव के चिंतन पत्र मुझे तरस आता है और वो उन्होंने 3 सीटें क्यों छोड़ दी, मुझे तो यही आज 403 पूरे ही उनको बोलना चाहिए था। एक बड़ा दावा कर रहे हैं सांसद हरनाथ यादव, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी
अब यादव बीजेपी के साथ है और 350 सीटें वो जीतेंगे, जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक, यादव वोट बैंक, वो बीजेपी का साथ देगा और चुनाव में बीजेपी पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी। राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि हम यादव समाज के लिए इस बार ज़्यादा टिकट भी पार्टी से मांगेंगे। कैमरा के साथ अनुभव शुक्ला, एपिगंगा, लखनऊ। उधर लखनऊ के पंचायत भवन में भाजपा की तरफ से सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सम्मेलन में सीएम योगी ने जहां अच्छे जन प्रतिनिधियों को लेकर बात कही, तो वहीं विपक्ष पर जमकर तीखे हमले बोले। आज आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, आवास दे जा रहे सबको बिना भेदभाव के, शौचालय दिए गए बिना भेदभाव के, रसोई गैस के सिलेंडर दिए जा रहे बिना भेदभाव के, किसान सम्मान निधि दी जा रही है बिना भेदभाव के, ऋण माफी की योजना हुई है बिना भेदभाव के, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है बिना भेदभाव के, और सबको राशन देने की कार्रवाई, फ्री में राशन देने की कार्रवाई बिना भेदभाव के, और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए भी सबको फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन भी बिना भेदभाव के। ये होती है सरकार। पाकिस्तान सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम किया क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी पहुंचे, उनका पिछड़ा वर्ग को लेकर भाजपा की रणनीति पर क्या कहना है वो भी सुनिए। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। सर, लगातार ये सम्मेलन चल रहे हैं, अलग अलग जो वर्ग हैं उनके साथ हम जुड़ रहे हैं, राजभर समाज का भी सम्मेलन होने वाला है, ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र कर लेते हैं, पहले आपकी सरकार में मंत्री भी रहे और अब सपा से जाकर मिल गए हैं, क्या लगता है? लगातार रैली कर रहे हैं, 27 तारीख को एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव, देखिए ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं और इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर राजभर समाज उठ चुका है। राजभर समाज आगे बढ़ना चाहता है, अपना विकास चाहता है और मोदी जी का साथ चाहता है, ये 2019 के चुनाव में प्रमाणित हो चुका है। सर, वो पहले कह रहे थे कि भाजपा के लिए दरवाजे खुले, लेकिन दो दिन पहले फिर वो कहते हैं कि भाजपा डूबती हुई नैया है, क्या कुछ भाजपा से उन्होंने बात की थी, बात नहीं बनी इसलिए बोल रहे हैं या कुछ और वजह लग? अब तो देखिए परिणाम आएगा तो सारी बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। उनका क्या भरोसा, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, आप फिर दूसरे दिन बयान बदल देना। राजभर कहते हैं कि उनका पूरा मोर्चा सपा के साथ जाएगा, उस मोर्चे का हिस्सा तो ओवैसी भी है, यानी ओवैसी भी उनके हिसाब से फिर सपा में जाएंगे। अच्छा, कौन अब यही बात, तो अभी चुनाव आने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज कभी उनके मोर्चे में कौन, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पहले दिन जो मोर्चा बनाकर चले, आज उस मोर्चे के कई साथी उनके साथ, आप इसकी तहकीकात कर लीजिए, समीक्षा कर लीजिए। आपको सारू, ये एक झूठ बोलने वालों की मंडली है जो अपने अपने समाज को बेचना सिर्फ उद्देश्य है इनका और अपनी राजनीति की रोटी से करना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हम सुना अनिल राजभर जी को, जिन्होंने साफ कहा, एक तरफ जहाँ ओम प्रकाश राजभर की बात को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के साधन है, तो दूसरी तरफ सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार में एक जाति वर्ग के लोगों को 67% से ज़्यादा नौकरियों में मौका दिया गया। उनका इशारा कहीं ना कहीं यादव समाज की तरफ था और आज एक तरफ वो इस तरह की बात कह रहे तो दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से यादवों के लिए एक सम्मेलन भी किया जा रहा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और उधर सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे शिवपाल यादव का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, जहां शिवपाल यादव ने न सिर्फ अपने तरफ से इस भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए, बल्कि यूपी की योगी सरकार को पूरी तरीके से फेल भी करा दिया। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, अधिकारियों पर इस सरकार का कंट्रोल नहीं है, इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही, चोरी डकैती और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वाराणसी में आज अपना दल की पल्लवी पटेल का विरोध देखने को मिला। पल्लवी पटेल पहले धरने पर बैठी, उसके 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर वापस भी हो गई। दरअसल अपना दल अध्यक्ष पल्लवी पटेल ट्रैक्टर से जन अधिकार यात्रा निकालने वाली थी, जिसकी शुरुआत उन्हें वाराणसी से करनी थी, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो पल्लवी पहले सारनाथ मंदिर में प्रदर्शन करने पहुंची, उसके बाद यात्रा निकालने की कोशिश की। अपना दल की ट्रैक्टर यात्रा निकलने वाली है और पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी जी, ट्रैक्टर यात्रा कहा जा रहा है परमिशन नहीं है, तो कैसे निकलेगी ट्रैक्टर यात्रा? देखिए, ये जो ट्रैक्टर यात्रा की जिसकी बात हो रही है, उसका नाम है अधिकार यात्रा। इस देश में हर समाज हर व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हैं, और ऐसे में मेरी जहाँ आस्था है बौद्ध स्थली पर, वहाँ जा कर के मेरे भगवान से मुझे आशीर्वाद लेने का, मुझे पूजा अर्चना करने से ये मेरे अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। और मैं वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ होगा, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, तो इस बनारस जनपद में प्रलय आएगा। देखिए, ये तो मैं अपने इष्ट देव से आशीर्वाद लेने के बाद ही। और उधर महंगाई को लेकर अखिलेश का हल्ला बोल जारी है, पेट्रोल के बाद महंगे गैस सिलेंडर पर उन्होंने तंज कसा है। अखिलेश कहते हैं कि 1000 रुपए का सिलेंडर अब टूल बन चुका है, उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है, लिखते हैं 1000 रुपए का सिलेंडर बन चुका है टूल, झूठ के फूल की नहीं दोहराएंगे भूल, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग भाजपा खत्म। वहीं अखिलेश यादव ने मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल वाले बयान पर पलटवार किया है, कहते हैं कि 95% लोग भाजपा को पसंद नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि आखिर मंत्री ने क्या कहा था। और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दुगनी बढ़ी हुई है, दुगनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के पेट्रोल की कीमतों क्या कहेंगे आप? और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड की, जहां पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियों का उफान देखने को मिल रहा है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपके सामने सीतापुर, लखीमपुर खीरी और गोंडा की तस्वीर, बाढ़ जैसे हालात आप देख सकते हैं। तो सीतापुर में भी बाढ़ का असर है, लखीमपुर में भी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा चल रहा है और गोंडा की स्थिति भी आपके सामने है। तो सीतापुर में पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर साफ साफ देखा जा रहा है। पहाड़ों से छोड़े गए पानी की वजह से जिले के 44 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 3 तहसीलों में पड़ने वाले इन गांव के हालात देखिए, बदतर हो चुके हैं। लोगों के घर में बाढ़ का पानी है, कई इलाकों में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजना पड़ा है। कई इलाकों में लोग घर की छत पर अपना डेरा डाले हुए हैं। बेहटा ब्लॉक के 10 गांव प्रशासन ने बढ़ते खतरे की आशंका से पूरी तरीके से खाली करा लिए हैं। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ग्रस्त इलाकों पर निगरानी जारी है, जरूरत के मुताबिक लोगों की मदद भी की जा रही है। शुक्रवार को यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लिया। वहीं लखीमपुर खीरी में भी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। शारदा नदी नगर बैराज पर हेलीकॉप्टर से उन्होंने उतरते हुए अधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दिए कि जिस तरीके की स्थिति उन्होंने ऊपर से देखी है और जो जमीनी हकीकत है, तमाम चीजों के हिसाब से उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि 90 साल में इतिहास में ऐसी बाढ़ देखने को मिली। जी के निर्देशानुसार आज मैं लखीमपुर में आया हूं। मैंने एरियल सर्वे के माध्यम से पलिया से लेकर के और धौरारा तक सभी चीज़ों को, गांवों को देखा है।
बहुत सारे गांव हमारे चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। कुछ गांवों में पानी गांव के अंदर चला गया है, कुछ घरों में पानी चला गया है। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी तरीके से प्रशासन यहां पर लगा हुआ है। NDRF की टीम, SDRF की टीम, SSP की टीम, PAC की टीम और हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, सब लोग मिल करके और जिला प्रशासन के सभी अंतर्विभागीय समन्वय बना करके लोग काम कर रहे हैं।